Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. Hello my students, my name is Shifali Bajaj और आज हम इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं 5 minutes episode series का next episode. Yes, हम आ गए हैं episode 4 पर जहां पर हम NT-UGC NET students के लिए बहुत ही special episode series लेकर आए हैं जहां पर आप in short सारे important and important topics को यहां पर कवर कर सकते हैं जहां से आपके questions आते ही आते हैं. अगर आपने इसे miss कर दिया तो आपने बहुत बड़ी चीज़ miss कर दी. तो yes, चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने इस एपिसोड को. यस, फर्स्ट टॉपिक आपके सामने आ रहा है कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट्स को आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है. ये सारा टेबल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बाइनरी डिजिट 1 बिट, 1 नेबल 4 बिट, 1 बाइट जो है वो 8 बिट के इक्वल होता है. इसी तरीके से 1 KB की बात करें तो 1024 बाइट्स के इक्वल होता है. ठीक है, बस बाकी तो आपने 1024 याद रखना है, लेकिन आपको ये सीरीज जरूर याद रखनी है कि सबसे छोटा बाइनरी होता है, देन आपका आता है नेबल, देन आता है आपका बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट और लास्ट वन सबसे लार्जेस्ट होता है आपका जियोबाइट. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सारी सीरीज को याद रखना है, आपके काम आ सकता है पेपर के अंदर. ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करना, थोड़ा ही टाइम लगेगा, जल्दी से याद कर लेना. उसके बाद आपके लिए आ रहा है ICT से ही एक और टॉपिक जहां पर आपसे पूछा जा रहा है बार बार से कि आपको फास्ट स्पीड के अकॉर्डिंग जो है या स्लो स्पीड के अकॉर्डिंग जो है आपने इसे सीक्वेंस में बनाना है. तो आपको डिफरेंट स्पीड्स दे दी जाती हैं, डिफरेंट सॉरी मेमोरी दे दी जाती है. जैसे कि आपका CPU रजिस्टर जो है सबसे फास्ट है, देन आपका कैश मेमोरी आती है, देन आपकी मेन मेमोरी आती है और देन आपकी सेकेंडरी मेमोरी आती है. ठीक है, इसी तरीके से जो आपकी फास्टर स्पीड है, जैसे कि आपकी CPU रजिस्टर जो है वो फास्टर स्पीड वाले हैं तो ये कॉस्टली भी ज़्यादा है. ठीक है, इसी तरीके से कैश मेमोरी जो है वो इससे कम फास्ट है लेकिन इसका कॉस्ट भी कम होता है, फिर इसका कॉस्ट उससे भी कम होता है रैम का, फिर सबसे कॉस्ट कम होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी का, लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत है कि ये स्लोवेस्ट मेमोरी है. ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च के बारे में नहीं सुना है तो जल्दी से कवर कर लीजिए इस टॉपिक को. देखिए, अब इस टॉपिक को कवर करने से पहले एक छोटा सा अपडेट आ रहा है अनअकैडमी की तरफ से. अनअकैडमी का जो है ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो जल्दी से हम उस अपडेट को कवर करते हैं, देन हम आते हैं अपनी इस वीडियो पर दोबारा. यस, तो अनअकैडमी अवेलेबल करवा रही है आपको रैंक बूस्टर MCQ कोर्स, जो कि हमारे एजुकेटर नवदीप कौर मैम और आशिमा नेगी मैम जो है वो प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं 26 मई से. आज के ही दिन से ये कोर्स शुरू होने जा रहा है, जल्दी से इसके लिए एनरोल कर लो, बहुत काम आने वाला है पेपर 1 और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए. उसी के साथ पेपर 1 और इंग्लिश के लिए भी आपके लिए रैंक बूस्टर MCQ कोर्स जो है वो प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं. यहाँ पर भी दो एजुकेटर्स नवदीप और अंकित कुमार सर जो है वो ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाएंगे 26 मई से. ये भी कोर्स शुरू होने जा रहा है, जल्दी से एनरोल कर लो. उसके लिए आपको यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा. प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको, जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, 10% डिस्काउंट के लिए रेफर कोड बिल्कुल भी मत भूलना SHAFALINTA शिफाली NTA. जो भी कोर्सेज, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपके वो शेयर की हैं उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. उसके साथ ही एक बहुत ही स्पेशल अपडेट, KVS मदान सर यस आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं अनअकैडमी पर. ये अपडेट मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, बहुत स्पेशल है ये क्लासेस इनकी रहने वाली हैं. तो यस, ये क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ NT-UGC नेट एग्जाम के बारे में. ठीक है, पेपर 1 के बारे में अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म पर. तो यस, ये क्लास शुरू होने वाली है 11 बजे. तो यस, क्लास के लिए ज़रूर जो है वो एनरोल कर लो. प्लस के ऊपर, अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के ऊपर ये क्लासेस आपको प्रोवाइड होंगी, तो फटाफट से इसके लिए एनरोल कर लो. और यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते टाइम एक स्पेशल ऑफर आपके लिए आ रहा है, 26 मई तक वैलिड है, जो आज के ही दिन. यस, क्या है ये स्पेशल ऑफर? यस, अगर आप 6 मंथ्स का अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन, एब्सोल्युटली फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा. तो बहुत ही धमाकेदार ऑफर है ये आपके लिए, तो सब्सक्रिप्शन जल्दी से ले लो. सब्सक्रिप्शन लेते टाइम रेफर कोड SHAFALINTA लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. यस, तो अब हम आ गए हैं फंडामेंटल रिसर्च पर. फंडामेंटल रिसर्च को आप बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च भी कह सकते हैं. कैन नॉट हैव इमीडिएट एप्लीकेशन इन अ प्रैक्टिकल लेवल. इसका इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं होता है कोई भी प्रैक्टिकल लेवल पर. ठीक है, इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं कर सकते. ड्रिवन बाय क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी से चलता है ये. जिस चीज़ को जानने की हमें ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हम जो है एक बेसिक जो थियोरिटिकल सोल्यूशन जो है वो निकालते हैं इसके थ्रू. डिज़ायर टू एक्सपेंड नॉलेज, इसके अंदर हमारा डिज़ायर क्या होता है कि हम किसी भी स्पेसिफिक रिसर्च एरिया के अंदर अपनी नॉलेज एक्सपेंड करना चाहते हैं. ठीक है, मेक स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अकेडमिक बॉडी ऑफ द नॉलेज. तो येस, ऑफकोर्स ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है अकेडमिक बॉडी ऑफ नॉलेज को. उसके अलावा कैन टू मेक जनरलाइजेशन, अगर हमने किसी भी फिनोमिना के बारे में कोई जनरलाइजेशन क्रिएट करनी है तब ये यहाँ पर काम आता है.
आती है हमारी फंडामेंटल रिसर्च फिलोसफी ऑफ दिस टाइप ऑफ रिसर्च. इस टाइप की रिसर्च जो इस टाइप की जो स्टडीज हैं उसके अंदर जो फिलोसफी रहती है वो ये रहती है कि गैदरिंग नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, नॉलेज के लिए नॉलेज और नॉलेज गैदर करना. ठीक है, और इसके अंदर कौन से क्वेश्चन का आंसर होता है, वाई व्हाट हाउ, ये जो है क्वेश्चंस का आंसर जो है ये हमें प्रोवाइड करता है. इसी के अलावा दे टेंड टू कंट्रीब्यूट द पूल ऑफ फंडामेंटल नॉलेज. यस ऑफ कोर्स, ये पूल ऑफ फंडामेंटल नॉलेज के अंदर एक कंट्रीब्यूशन करता है, दैट मींस हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज को कुछ हद तक और इंक्रीज करता है. उसके बाद आ जाता है हमारा अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च क्या है, सीक्स टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जो कि हमारे स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने, इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालने, और जो कि एक इंडिविजुअल ग्रुप और सोसाइटी को अफेक्ट करे, ऐसे इश्यूज पर इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने का काम होता है हमारा अप्लाइड रिसर्च का. अप्लाइड रिसर्च कहाँ पर यूज़ होता है, हमारे बिजनेस में, मेडिसिन में, एजुकेशन में, इन ऑर्डर टू फाइंड सॉल्यूशंस दैट मे इम्प्रूव हेल्थ, मतलब कि दैट मीन्स जो हमारे हेल्थ को इम्प्रूव कर पाए, सॉल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, जो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आ सके, और न्यू नॉलेज को डिवेलप करने में इससे रिलेटेड जो है वो हमारे सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने का काम करता है अप्लाइड रिसर्च. और अप्लाइड रिसर्च के अंदर रिसर्चर जो है वो ध्यान रखता है आइडेंटिफाई को, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, टेक केयर, टेक एक्स्ट्रा केयर इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, देन रिसर्च हाइपोथेसिस डिवेलप करता है, देन आपके हाइपोथेसिस को ऑफ कोर्स टेस्ट किया जाता है वाया एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो अप्लाइड रिसर्च इज समटाइम्स कंसीडर टू बी नॉन सिस्टमैटिक इंक्वायरी. इसको कई बार नॉन सिस्टमैटिक इंक्वायरी का नाम भी दे दिया जाता है. क्यों दिया जाता है भाई, क्योंकि इसके अंदर हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए डायरेक्ट अप्रोच का यूज करते हैं. ठीक है, उसके बाद इट इज टिपिकली अ फॉलो अप, एक तरह से रिसर्च डिजाइन ऐसा है, फॉलो अप रिसर्च डिजाइन है, जिसका मतलब क्या, क्या फॉलो अप का मतलब, किसको फॉलो कर रहा है ये? ये जो भी हमने प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च अभी हमने पढ़ी, फंडामेंटल रिसर्च, उसके अंदर जो भी हम फाइंडिंग्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं उनको, उन फाइंडिंग्स को वैलिडेट करने के लिए, उनको वैलिड बनाने के लिए, और उन्हें किसी इनोवेटिव सॉल्यूशन की तरह, उसको जो है एक इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्रिएट करने में हेल्प करता है उसे, ताकि हम कोई, डेट मीन्स जो हमने नॉलेज निकाली है अभी फंडामेंटल रिसर्च से, उसे हम एक इनोवेटिव सॉल्यूशन में बदल पाएँ, ताकि हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उस नॉलेज को कहीं पर अप्लाई कर पाएँ. तो इसीलिए हमारा अप्लाइड रिसर्च जो है वो काम आता है. होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, और अभी भी और भी एपिसोड्स मैंने कवर किए हैं, पहले तीन एपिसोड्स को मैंने कवर किए, अगर आपने वो नहीं देखे तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. और इसी के साथ जो ये अभी मैंने आपको पढ़ाया सारा का सारा ये मैटर, उसका भी PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको सिंपली मिल जाएगा, तो ये आपके नोट्स की तरह बहुत बढ़िया काम आने वाला है, तो इसे जरूर डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिएगा. ओके यस स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही एपिसोड्स मैं लेकर आ रही हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूं अपने चैनल पर, तो यस बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है, ताकि आपको उस वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिल जाए. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.